अस्सलाम वालेकुम, लव बर्ड वैली की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में मैं आपको लव बर्ड्स की डीवर्मिंग करने का तरीका बताऊंगा। आप अक्सर देखते होंगे आपने लव बर्ड्स को कि आप कहते होंगे वो दाना तो खा रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न कम होता जा रहा है। आमतौर पे बर्ड्स आपके अगर सुस्त हैं और पर फुला के बैठे हुए हैं, उन्होंने परों में सर डाल के बैठे हुए हैं, तो उसकी एक वजह इनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। पेट में कीड़े होने की कई वजूहात हो सकती हैं। ये दाना जो खाते हैं या सॉफ्ट फूड आप इनको देते हैं तो उन पे बहुत सी मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ अपने पाँवों के साथ बहुत से जर्म्स और कीड़ों के लार्वे जो होते हैं वो उनके ऊपर सॉफ्ट फूड पे और इनके दाने पे छोड़ जाती हैं, और जब ये खाते हैं तो वो लार्वा और वो कीड़ों के अंडे और जर्म्स इनके पेट में जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद कीड़े होने के बाद ये होता है कि बर्ड जो दाना खाता है वो आधी खुराक तकरीबन उसमें से कीड़े खा जाते हैं, तो इनका वज़न जो होता है वो कम होता है और सुस्त रहते हैं, इनकी ब्रीडिंग में भी फ़र्क पड़ता है और भी इसकी वजह से इनमें और भी बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी डीवर्मिंग करें और जो इनके पेट में कीड़े हैं उनको ख़त्म करें ताकि बर्ड्स आपके हेल्दी हों और इसके अलावा एक्टिव हों। डीवर्मिंग के लिए जो मैं मेडिसिन रिकमेंड करूंगा वो जेंटल है, जेंटल सिरप है। ये जीएस के कंपनी है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इसका ये सिरप है और ये बहुत अच्छा सिरप है। ये इनके ना सिर्फ कीड़ों को ख़त्म करता है और बल्कि इनके जो लार्वे होते हैं, कीड़ों के जो लार्वे होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। तो इसमें बहुत से डिफरेंट वर्म्स हैं जिनको ये ख़त्म करता है, तो ये आप डालें तो उम्मीद है आपके बर्ड जो हैं वो इस वर्म्स की प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। इसको देना कैसे है, इसको पानी में मिला के आपने देना है। इसको पहले अच्छी तरह से इसको शेक कर लें। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी इजीली, और ये तकरीबन मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, ये तकरीबन 22-23 रुपए की आती है, ये सिरप है। और इसमें मैं देखता हूँ ये कितने ml है, ml तो नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, तो इसको आपने 10 ml है, वन डोज 10 ml। तो इसको 2 लीटर पानी में आपने मिला के इनको देना है। ये बोतल मेरे पास है, इसके अंदर 2 लीटर पानी, 2.25 लीटर पानी आता है तकरीबन, तो मैं इसके अंदर इसको मिलाऊंगा। इसमें भी है थोड़ी सी, तो इसको मिलाने के बाद इसका कलर जो है वो वाइट कलर का हो जाएगा, जैसा दूध का कलर होता है ना उस तरह का कलर पानी का हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से शेक करें ताकि ये अच्छी तरह से बोतल के अंदर जो है इस मिल जाए। इसके बाद इसको पानी के बर्तनों में आप डाल दें। ये बर्तन जो है मेरा, ये पूरा 2 लीटर पानी आता है इनमें,
तो मैंने ये बोतल ख़ास तौर पे इन्हीं के लिए रखी हुई है। ये आपने एक महीने में एक दफ़ा करवाना है ये इनको डीवर्मिंग का। तो अगर आप महीने बाद इनको ये देते रहेंगे तो ये जो कीड़ों की प्रॉब्लम है वो इनको नहीं होगी। और इसके बाद ये पानी जो है ये इसको मिक्स इसको इसके इनके पिंजरों में रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।